इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको मैसेंजर पर इस तरीके से दिखाता है दिस पर्सन इज़ अनअवेलेबल ऑन मैसेंजर, तो बेसिकली इशू क्या होता है इसमें और क्यों ये देखने को मिल जाता है, और हटा भी सकते हैं इसको, नहीं भी हटा सकते हम, ये मैं आपको पूरा डिस्कस बताने वाला हूँ इसके बारे में कि ये ऐसा क्यों दिखाता है। देखिए, ऐसा दिखाने का रीज़न इसका यही है कि जो पर्सन है ये अब मैसेंजर पर या फेसबुक पर अवेलेबल नहीं है, या तो इसने अपनी आईडी को डिलीट कर दिया है, या किसी रीज़न वाइज इसकी आईडी को डिसेबल्ड कर दिया गया है, या फिर ये बहुत दिनों से खुद ही इनएक्टिव है तो इस वजह से इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया है। तो वैसे मैंने बहुत केसों में देखा है कि अकाउंट जो है बंद नहीं होता है, बट मैसेंजर पर से वो अनअवेलेबल हो जाता है। तो इन तीनों चारों रीज़न के इर्द गिर्द ही ये सब चीज़ें आती हैं, और अगर आपको ये दिखाता है तो मान लीजिए आपको जो मैसेज करते हैं वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो पर्सन है ये अनअवेलेबल है। ठीक है, अगर यहाँ पर पर्सन का अकाउंट डिलीट होता तो वो भी दिखा देता कि ये डिलीट हो चुका है, बट ये आपको नहीं दिखाएगा, ये उसको दिखाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गए, और इसको वापसी लाने का सिर्फ तरीका यही है कि ये अपने आईडी को लॉगिन करेगा, या जो भी फॉर्मेलिटी आ रही होगी इसमें उसको चेकआउट करेगा और उसको फुलफ़िल करेगा, तब इसको ये यहाँ पर अवेलेबल होगा मैसेंजर के अंदर से। तो बस इसका प्रोसेस यही रहता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।